हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा रिलीज हुई फिल्म द सुसाइड स्क्वाड को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। द सुसाइड स्क्वाड ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने। तो वही फिल्म की कास्ट में है एक्ट्रेस मार्गोट रॉबी, एड्रिस एल्बा, जॉन सेना, डैनियला मेल्चर, वियोला डेविस एंड डेविड टेस्ट मेल्चर। तो फ्रेंड्स, कहानी फोकस करती है डीसी के एंटी विलन्स पर, जो पार्ट है अब टास्क फोर्स एक्स का, जिस टीम को बनाने की जिम्मेदारी अमेंडा वॉलर की है, जिनका मिशन है स्टारफिश, जिसमें वो कामयाब हुए तो उनकी सजा होगी कम और फेल हुए तो उन्हें मिलेगी मौत। तो क्या सुसाइड स्क्वाड की ये नई टीम अपने मिशन में कामयाब हो पाती है या नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी डीसीयू की एकदम ही नई द सुसाइड स्क्वाड फिल्म। तो फ्रेंड्स, फिल्म थी सुसाइड स्क्वाड 2016 की सुसाइड स्क्वाड फिल्म का रिबूट वर्जन नहीं, बल्कि एक तरह से फिल्म का सेकेंड पार्ट है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स वही हैं और कुछ कैरेक्टर्स एकदम ही नए, जिसे इस बार लिखा और डायरेक्ट किया है जेम्स गन ने, जिन्हें वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो की तरफ से पूरी की पूरी छूट दी गई थी कि वो इस फिल्म को अपने तरीके से बनाए, जिसे लेकर उनकी यही कोशिश थी कि वो फैंस को एक परफेक्ट सुसाइड स्क्वाड फिल्म दे, जैसी फैंस डीसी के यूनिवर्स में देखना चाहते हैं, जिसपे वो नो डाउट पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं, क्योंकि फैंस को उन्होंने डीसी की एक परफेक्ट सुसाइड स्क्वाड फिल्म दे दी है, या फिर कहूँ इस साल की डीसीयू की एक और काफी जबरदस्त फिल्म, जिसे डीसी फैंस ही नहीं हर एक सुपर हीरो फैन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। रीजन है फिल्म का पूरी तरीके से पागल होना, जिस पागलपन में आप पूरी तरीके से खो जाओगे और फिल्म के हर एक सीन को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। तो वही एक और रीजन है फिल्म के आर-रेटेड एक्शन, जो एक या दो नहीं पूरी फिल्म में भरे हुए हैं, जिससे यही कंफर्म होता है कि अब वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो के अंदर भी डायरेक्टर्स को फ्रीडम दी जा रही है कि वो फिल्मों को अपने तरीके से बनाए, जिसका फायदा जेम्स गन ने बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे से उठाया है, जिसके चलते फिल्म के एक्शन और डायरेक्शन दोनों ही बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और अब बात करूँ कैरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर जेम्स गन अपनी फिल्मों में यूनिक कैरेक्टर्स और प्रेजेंटेशन के लिए जाने जाते हैं, जो इस फिल्म में भी हैं, क्योंकि एक या दो नहीं सभी के सभी, जी हाँ सभी के सभी कैरेक्टर्स आपको पसंद आएंगे, जिन सभी की डेवलपमेंट फिल्म में बहुत ही अच्छे से की गई है, जिसके चलते हर एक कैरेक्टर आपको पसंद आता है। पर बात करूँ उन कैरेक्टर्स की जो फिल्म में आपका दिल जीत लेंगे, तो वो है एड्रिस एल्बा का कैरेक्टर ब्लड स्पॉट, रेड कैचर 2, पॉलका डॉट मैन, किंग शार्क और अगेन हार्ली क्वीन का कैरेक्टर, जो आपको अगर डीसी में पसंद नहीं था तो इस फिल्म में उसे और उसके काफी जबरदस्त एक्शन सीन्स को देखने के बाद आप उसके फैन हो जाओगे। तो वही फिल्म में किंग शार्क जितना ज्यादा डम है उतना ही वायलेंट भी है। तो वही वियोला डेविस ने अमेंडा वॉलर के कैरेक्टर में अगेन पूरी तरीके से जान डाल दी है। और अब बात करूँ एक्टिंग की, तो फिल्म में सभी की परफॉर्मेंस लाजवाब है, इतनी बेस्ट कि आप फिल्म देखते वक्त भूल जाओगे कि आप फिल्म देख रहे हो, और ये सभी एक्टर्स हैं, जिससे आप समझ ही सकते हो कि फिल्म में एक्टिंग किस लेवल की है सभी के सभी एक्टर्स ने। और अब बात करूँ बाकी चीजों की, जैसे BGM फिल्म का कैसा है, तो ये जेम्स गन की फिल्म है, जिसके चलते फिल्म का BGM कमाल का है, और फिल्म में डाले गए सभी सॉन्ग्स भी जो हर एक सिचुएशंस पर परफेक्ट फिट बैठते हैं। तो वही एडिटिंग भी फिल्म की बहुत ही अच्छे से की गई है, जिसमें कॉमेडी भरी पड़ी है, तो वही फिल्म में कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जो हमें इमोशनल करते हैं, बाकी CGI और VFX भी फिल्म के कमाल के हैं। और अब बात करूँ वीक पॉइंट की, तो वो है फिल्म का प्लॉट, जो काफी ज्यादा सिंपल है पर हाँ प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं, जिसमें हमें ये नहीं पता होता कि फिल्म में आगे क्या होगा और कब कौन सा कैरेक्टर मारा जाएगा, यानी अनप्रिडिक्टेबल, जिसके चलते फिल्म के सिंपल से प्लॉट को आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे और फिल्म के इस वीक पॉइंट पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि फिल्म को कुछ इसी तरह से बनाया गया है, एक फुल्ली एंटरटेनिंग फिल्म। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इतनी डिटेल्स काफी हैं आपको ये बताने के लिए कि डीसी और जेम्स गन की तरफ से एक काफी जबरदस्त और एक मस्ट वॉच फिल्म निकल कर आई है, जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। फिल्म दी सुसाइड स्क्वाड को मैं दूंगा 5 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म दी सुसाइड स्क्वाड को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।